नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू बी फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनको सीख करके निश्चित रूप से आप लोगों का दिल बड़े ही आसानी से जीत पाएंगे। ये किताब सबसे पहले 1936 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर अब तक करोड़ों प्रतियां इस किताब की बिक चुकी हैं। दुनिया में जितनी भी ज्ञान भाषाएं हैं, सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और निश्चित रूप से लाखों लोगों ने इस किताब की मदद से अपने जीवन को बदला है। पिछले एक वर्ष से ये किताब मेरे भी पास है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये किताब आपके जीवन को बदलने वाली है। ये बात मैं इस आधार पर भी कह रहा हूँ कि एक रिसर्च हुआ था जिस रिसर्च में ये पाया गया था कि आपकी सफलता में आपके टेक्निकल स्किल्स का केवल 15% ही योगदान है, जबकि 85% आपके सोशल स्किल्स का योगदान होता है कि आप अपने जीवन में कितना सफल होंगे। और इसलिए सोशल स्किल्स सिखाने वाली ये किताब आपके पास भी होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में मैं इस किताब के शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप लोगों का दिल बड़े ही आसानी से जीत पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन 5 प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू अदर्स पीपल, यानी दूसरे लोगों में सच्ची रुचि लें। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने बारे में बातचीत करते हैं, हम अपनी बातें उसको सुनाना चाहते हैं, हम अपने अचीवमेंट्स उसको गिनाना चाहते हैं, हम अपने ज्ञान को उसके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं और ये सब करके हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति हम में रुचि ले। जबकि ये करते समय हम इस सिद्धांत की अवहेलना करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपने खुद में रुचि लेते हैं, उनकी रुचि स्वयं में होती है। आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि आप में उनकी कोई रुचि नहीं है, सबकी रुचि केवल खुद में है। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। अगर आपको कोई ग्रुप इमेज देखने को मिले जिसमें कि आपकी भी एक इमेज है, तो आप उस पूरे इमेज में किसका फोटो सबसे पहले खोजेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना फोटो उसमें खोजेंगे। और यही तो एक मानसिकता है जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को अपनी बात सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं में रुचि लेते हैं और इसीलिए दूसरों को अपने बारे में सुनाना चाहते हैं, अपने अचीवमेंट गिनाना चाहते हैं। और इसीलिए जो भी व्यक्ति इस ट्रिक को समझ पाया कि दूसरे लोगों में सबकी रुचि स्वयं में होती है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों का दिल जीत पाएगा उनमें रुचि लेकर के। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप दूसरों में रुचि लेकर के 2 महीने में उतने ज्यादा फ्रेंड बना लेंगे जितने कि शायद 2 साल में भी आप नहीं बना पाए, जब आप ये चाहेंगे कि दूसरे लोग आप में रुचि लें। हालांकि दूसरे लोगों में रुचि लेना थोड़ा ऊर्जा लगाने का काम है, समय लगाने का काम है, पेशेंस लगाने का काम है, लेकिन फिर भी ऐसा किया जा सकता है। इस बात का मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी मार्क जकरबर्ग चीन के एक यूनिवर्सिटी में गए थे जहां की उनका संबोधन था और उस संबोधन में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो था चीनी। अब एक अमेरिका का लड़का, वो भी बिलेनियर व्यक्ति, फेसबुक का मालिक, और चीन के लोगों को संबोधित करने के लिए वो चीनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये बात गहरे तक चीनियों को प्रभावित की। आप भी सोच के देखिए आपको कैसा लगेगा अगर कोई व्यक्ति हिंदी में आकर मार्क जकरबर्ग भारत में बात करें। आप नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं, अगर वो यूपी में आते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी में बात करते हैं, इसी तरह देश के कोने कोने में जाते हैं तो वहां की बात करते हैं, ना कि अपनी बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, नहीं, वो यूपी में जाते हैं तो यूपी की बात करते हैं, वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। और आप देख ही रहे हैं
कि एक शोमैन की तरह आज जो है वो भारतीय राजनीति में है और लोगों का दिल उन्होंने इस प्रकार से जीता है कि बहुत जल्दी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उनके सामने कोई विपक्ष में खड़ा होने की स्थिति में नहीं दिखता है। तो ये वही है कि वो दूसरे लोगों में रुचि लेते हैं। हालांकि मैं आपको किसी भाषा को सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी से मिलिए तो उसकी बात तो ध्यान से सुनिए, उसको महसूस कराइए कि आप उसके में रुचि ले रहे हैं, आपके लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। नंबर टू, स्माइल। दोस्तों, कहा जाता है कि आपकी मुस्कान दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है और ये हजारों शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी है। एक सच्ची मुस्कान जो दिल से निकलती है और दूसरे लोगों के दिल में ठक से जाकर के लगती है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो आपको देख करके मुस्कुराते हैं और आप कितने भी टेंशन में हो, उनकी मुस्कुराहट देख करके उस देर के लिए अपने टेंशन को भूल जाते हैं। आप उनमें आकर्षित हो जाते हैं, उनके पास जाना साथ चाहते हैं, उनको गोद में लेकर के खिलाना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके मुस्कान से संभव होता है। और इसीलिए जब भी आप किसी से मिलिए तो मुस्कुरा करके मिलिए और सच्ची मुस्कान के साथ मिलिए। झूठी मुस्कान का तो कोई फायदा नहीं, वो तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। सच्ची मुस्कान के साथ मिलिए, निस्वार्थ मुस्कान के साथ मिलिए। आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर होंगे और लोग आपके तरफ आकर्षित निश्चित रूप से होंगे। नंबर थ्री, रिमेम्बर द पर्सन्स नेम। दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। यही तो वो चीज है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को आप उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप स्वयं से कल्पना करके देखिए, या आपके जीवन में जरूर ऐसी घटनाएं घटती होंगी कि किसी व्यक्ति से आप एक वर्ष पहले मिले हों, छह महीना पहले मिले हों, और एक बार ही आप उनसे केवल मिले हों, और फिर दोबारा वो आपको कहीं मिल जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, और वो आपको आपके नाम से बुलाते हैं। आपको कैसा लगता है? निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी एक कमी यह है कि मैं दूसरों का नाम याद नहीं रख पाता हूं, जबकि मैं इस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं इस बात को अब ठीक प्रकार से समझ गया हूं कि दूसरों को नाम लेकर के बुलाना एक जादुई कला है, और जो भी व्यक्ति इस कला को सीख पाएगा वो निश्चित रूप से लोगों का दिल जीत पाएगा। नंबर फोर, बिकम गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बने। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि लोगों की रुचि केवल और केवल खुद में होती है, ना कि आप में। और इसलिए जब भी आप किसी से मिलिए तो उनकी बातों को सुनिए। कहा जाता है कि ज्यादा बोलना चांदी के समान है और कम बोलना सोने के समान है। और इसलिए आप जब भी कोई बातचीत किसी से करें तो आप ये प्रयास करें कि लोग आपसे अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, वो अपने बारे में आपसे कहें, अपने जीवन को आपके साथ शेयर करें। और अगर ध्यान से आप उनके इन बातों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जादुई असर करता है। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन ये सच्चाई है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी केवल आप अगर बात सुन लेंगे तो वो आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा विश्वास करने लगेंगे, वो आपको अपना सच्चा मित्र मानने लगेंगे केवल और केवल उनकी बात सुन लेने भर से। और इसलिए जब भी आप किसी से मिलिए तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसकी बात को बीच में मत काटिए, और बीच से ही आप बोलना शुरू मत करिए, पेशेंस रखिए। और एक अच्छी बातचीत अगर आप चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि 25% आप बोलिए और 75% उसको बोलने दीजिए। नंबर फाइव, मेक द अदर्स पर्सन फील इम्पॉर्टेंट, यानी दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपसे मिलने वाले लोग आपकी तारीफ करें, आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए? अपनी छोटी सी दुनिया में ही आप महत्वपूर्ण बने। ये सच है कि आप सच्ची तारीफ, सच्ची प्रशंसा जरूर सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी दिल खोलकर आपकी तारीफ करें, आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, आपकी सराहना करें।
दोस्तों, ये केवल आप ही नहीं चाहते, ये दुनिया में सभी लोग चाहते हैं। और इसलिए इस बहुमूल्य नियम को सीख लीजिए कि जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं वो आप दूसरों को भी दीजिए, और इस तरीके से निश्चित रूप से आप उनका दिल जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो हमें कमेंट कर बताएं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को याद से दबा दें, ताकि आपको इस चैनल के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।